मावरा का आज सेकंड डे है वैसे तो स्कूल में। और ये देखिए अपना बैग शैग रेडी कर लिया मावरा। देखें उसका लंच बैग है, उसका बैग, वाटर बॉटल और उसका पेंसिल केस भी सेम है ना मावरा? बब्बर शेर है। और ये मावरा जब तक देखिए इसके टॉयज बबरू के सारे रूम में इसके टॉयज हैं। और ये देखिए कहाँ पे सो रहा है। इधर आके ना कल का सो रहा है। बच्चे उठ के ना इसको प्यार शेयर करके तो फिर घर जाते स्कूल जाते। Okay, love this baby. Okay. Have a nice day. Okay? Did you put crisp in your bag? Yeah. You sure? I think. Okay. Love this baboo. Love this. बाबू जा रही है स्कूल। देखेंगे जनाब आज बब्बर और मैं घर हूँ क्योंकि सारे आज स्कूल्स में चले गए हैं और जॉब्स पे चले गए हैं, तो आज मैं और मेरा बब्बर। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैंने सोचा चलो मैं ना अपने काम कर लूँ थोड़े बहुत। आपको पता है हॉलीडेज में तो बच्चों की वजह से ना माशाल्लाह से बस बार अंदर होता रहा है, कोई काम नहीं होते रहे। तो मैंने कहा मैं अपने अब किचन की चीज़ें जो है ना वो करना शुरू करूं। तो ये जो आपको पता है ना ये हमारे भाई हैं वहीद भाई, वो लेके आए थे तो इसके फ्लावर सारे उतर गए थे तो वो ना ड्राई होके, तो अब ये दोबारा से न्यू निकलने शुरू हुए हैं। तो ये मैंने कहा चलो ये किचन की विंडो में रखती हूँ। ये देखिए मैंने इधर रख दिया ये प्लांट जो है ना, तो अब इंशाल्लाह फ्लावर भी निकलने शुरू होंगे अभी, तो फिर ज़्यादा नाइस लगेगा। ये देखिए कैसा लग रहा है बताएं मुझे ज़रा मैसेज करके। इधर ना मैं जब अंदर आई ना तो बब्बर देखे ऐसे बैठा हुआ था, उदास हुआ हुआ है, आज अकेला है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मुझे और मेरी फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे, आमीन आमीन। आज ना मैंने सोचा कि ना दिल करा था ज़रा थोड़ा ना शोरबे वाला सालन खाऊं, तो मैंने कहा चलो आज ना ज़रा ग्रेवी वाला सालन बनाती हूँ जिसमें ज़रा थोड़ा वोटरी पानी हो। तो मैंने कहा कि चलो आज ना आलू और गोश्त बनाती हूँ। आलू गोश्त ना मेरे घर में सारे शौक से वैसे खा लेते हैं आलू गोश्त का सालन, तो साथ में मैं रोटियां बनाऊंगी फुलके पतले पतले सॉफ्ट सॉफ्ट और फिर मजे मजे से खाएंगे हम लोग। तो मैं दिखाती हूँ आपको जी आज मैं बना रही हूँ। ये देखिए जैसा कि आपको बताया आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ। अभी ना इसको मैंने इंस्टेंट कुकर में थोड़ी देर गला लिया था, हल्का सा हाफ डन कर लिया था, तो हाफ मैं अभी ये थोड़ा सा इसमें करके ना तो ऑयल डाल के तो भूनती हूँ इसको। इधर मैंने इसके लिए टमाटर जो है वो भी काट लिए हैं और इसके अंदर मैंने वैसे मसाले थोड़े डाल दिए हैं, तो ऑयल शोल जो है ना मैं डालूंगी अभी थोड़ी देर में। मैंने इधर ऑयल शोल डाल लिया था इसमें, मैंने कहा देखूं आप की इसको तैयारियां करूं। थोड़ा सा जब भून जाएगा ना तो फिर इसमें टमाटर डालूंगी, अभी तो इसकी रुकने निकले। वैसे तो मैं कहनी हूँ कि पूछो कुछ ना गर्मी है थे कुछ भी पकाने दिल से करता पाया, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं मैं ना फिर भी घर में कुछ ना कुछ फ्रिज में पड़ा होना बना हुआ तो सही रहता है बंदे का, कभी भी दिल खा कर जाता है खाने को या कोई ना कोई आ ही जाता है अचानक, तो चलो कोई ना कोई चीज़ पड़ी हो ना तो चलो फिर ये है कि एक आधी बंदा फिर बाई फ्रिज मंगा लें तो एक आधी पड़ी भी हो तो चलो गुजारा हो जाता है। तो मैंने ना ये फटाफट आलू गोश्त के सालन ऊपर रख दिया, मैंने कहा साथ तड़के वाले राइस बना लूँगी और साथ में रोटी बना लूँगी अगर किसी ने रोटी खानी हो तो या नान चल जाएंगे क्योंकि गर्मी बड़ी है, तो देखते हैं अब करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं गोश्त जो ना वो ऑलमोस्ट हो गया रेडी ना, ये इसको मैंने भून लिया तो अब इसके अंदर डालूंगी आलू शरीफ। आलू जो है ना वो मैं थोड़ी डालूंगी क्योंकि मेरे घर में ना आलू इतने नहीं खाते बच्चे इसके अंदर, तो मैं खाऊंगी शौक से, मैं बहुत शौक से खाती हूँ तो मैं खाऊंगी। यहाँ तो फिर बच्चे एक एक आधा ले लेंगे बस।
देखो हूँ जरा ना डाल के ना आलू शालू तो बस गुजरा है, अब इसको भून आन के तो बेचते मैं पानी डालूंगी, ज़्यादा पतला शोरबा नहीं करूँगी कि बच्चे नहीं खाते, तो मुझे वैसे पतला पतला पसंद है लेकिन बच्चों की खातर फिर मुझे इतना पता नहीं, मैं रखूँगी इसको तो बच्चे भी ये शौक से खा लें। पानी शानी पा छा मैं बस अब आलू के गलने का वेट करूँगी, आलू गल जाएंगे तो धनिया शनिया मसाला मसाला डाल के तो डन करूँगी इसको। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं, ये देखें ज़रा गोश्त, आलू गोश्त की लुक देखें, चेक करें, बड़ा ही मज़े का बना था, काश आप लोग इधर होते। ये देखें ज़रा, ये ना बब्बर का एक और प्रेजेंट आ गया, देखें टोए उसका, मैं कहनी हाँ कि बब्बर दियाँ तो मोजा ने, देखो ज़रा ओए बबड़ी मोजे लग गई हैं मेरे बब्बर की, ऐसे लगाने हैं ना उसके ऊपर, इतनी ज्यादा ना ना करें स्प्रे, बिल्कुल पीछे पीछे करके, इतना नहीं करना, ये ना वो क्योंकि वो वायर्स को टच करता है ना जाके बब्बर, तो उसका स्प्रे मंगवाया है, तो वो अब वायर्स वगैरह के पास पास फेंकेंगे ना तो वो उसकी स्मेल की वजह से नहीं जाएगा उनके पास, लेकिन डेंजरस तो नहीं है ना उसके नहीं, लिए नहीं, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ डेंजरस नहीं है लेकिन बस स्मेल उनको नहीं अच्छी लगेगी तो वो फिर नहीं जाएगा। बब्बर का टॉय रेडी हो गया था, अब बब्बर स्लोली स्लोली यूज्ड टू होगा इसके साथ, तो ये ना रात को कल ना कोई इवनिंग टाइम को आया था ये इसका जो टॉय है ना, तो मैंने सोचा आपके साथ क्लिप शेयर करूं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।